हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन जो है हमारा वो है चौथा। हमारा क्वेश्चन क्या है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। तो वितरण विधि क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, जिसमें संख्याओं को वितरित कर देते हैं। जैसे 103 है तो 100+3 कर दिया, 105 है 100+5 कर दिया, 203 है 200+3 कर दिया, मतलब उसको वितरित कर दिया। तो वही ही हमारा क्या है, वितरण विधि है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सात सौ अट्ठाईस गुणा 101, ठीक है, ये है। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे 101 है, 100 के पास में है ना, तो इसी को तोड़ देते हैं। 728 है, इसको तोड़ेंगे तो 700+20+8 इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। क्यों ना हम इतना ज़्यादा झंझट करके 100 को ही तोड़ लें, 100 में ही तोड़ लें, 100+1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 728 गुणे 100+1, ये हो गया 101। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा एक बार इससे, फिर 728 की गुणा एक बार इससे, तो हमें आना क्या आएगा, 728 गुणे 100, बीच में प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा 728 गुणा 1, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 728 गुणा 1 से भी तो 728 ही आया, और 2 0 लग गए, प्लस इसकी गुणा 1 से भी तो क्या आया, 728 आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 8 कितना हुआ, 8, 0 और 2 कितना हुआ, 2, 8 और 7 कितना हुआ, 15, 5 1 हासिल, 2 में 1 जोड़ा, 3 7, ये हमारा 73,528 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, बी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5,437 गुणा 1001, ठीक है। अब इसमें हम इसको तोड़ेंगे तो बहुत लंबा टूटेगा, तो क्यों ना हम इसी को तोड़ लेते हैं, आ रहा हमको 1000 ही मिल जाएगा, तो इसी को तोड़ लेते हैं। 5,437 गुणा, इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000+1, 1001 लिखा है ना, तो 1000+1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा एक बार 1000 से, एक बार 1 से, तो 5,437 गुणे 1000 कर दिया, प्लस 5,437 गुणा 1 कर दिया, ठीक है। अब इसके इसकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5,437 और 3 0 लग जाएंगे, इसकी गुणा क्या होगी तो हमारा वही आ जाएगा, ठीक है, 5,437, ठीक है, वही आ गया। अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ 7 में 0 जोड़ा 7, 3 में 0 जोड़ा 3, 0 में 4 जोड़ा 4, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल लगाए, 3 में 1 हासिल जोड़ा 4, फिर 4 ये 5, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 54,43,437, ठीक है, ये हमारा आ गया। अगला हम सी वाला क्वेश्चन करते हैं, तो सी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, सी वाला जो क्वेश्चन है वो है 824 गुणा 25, ठीक है, 824 गुणा 25। अब ये है, अब हम इसमें हम 100 के आसपास तो है नहीं है ना, तो 824 को तोड़ेंगे तो 800+20+4 करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम 25 को ही तोड़ लेते हैं, 20+5 करके, ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं, 824 गुणा 20+5, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब 824 की गुणा 20 से करते हैं, 824 गुणे 20, फिर प्लस लगा लेंगे ये वाला, फिर 824 की गुणा हम 5 से करेंगे, ठीक है,
ये हम गुणा करेंगे तो दो की गुणा इससे कर लेते हैं, दो चक्कू आठ, दो दूनी चार, दो चक्कू आठ, दो दूनी चार, दो अठे सोलह, और यहाँ पे जीरो लगा था जीरो लगा देंगे, और पाँच किससे कर देंगे, पाँच चक्कू बीस, दो हासिल, पाँच दूनी दस, दो बारह, एक हासिल, पाँच अठे चालीस, दो सॉरी पाँच अठे चालीस, एक इकतालीस। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जीरो जीरो जोड़ा जीरो, आठ दो जोड़ा दस, एक हासिल, चार एक कितना हुआ पाँच, एक हासिल वाला छः, छः और चार दस, दस का जीरो, एक हासिल, एक एक दो, ये आ गया 20,600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, डी वाला क्वेश्चन है, डी वाला क्वेश्चन क्या है, 4275 गुणे 125, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा जवाब आएगा, तो क्यों ना हम 125 को ही तोड़ लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो हम 125 को तोड़ लेते हैं, 4275 गुणे 100 प्लस 20 प्लस 5, इसको हमने तोड़ लिया 125 को, 100 प्लस 20 प्लस 5, 125 हुआ ना हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी गुणा एक बार 100 से, एक बार 20 से, इसकी गुणा एक बार 5 से, ठीक है, 4275 इन गुणा 100 से, फिर 4275 की गुणा 20 से, फिर बीच में प्लस लगा दिया, ये प्लस लगे थे ना, ये वाले प्लस हमने लगा दिए, 4275 की गुणा 5 से, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 4275 तो आएगा, और साथ में दो जीरो भी लग जाएंगे। यहाँ पे दो की गुणा कर लेते हैं, दो पंचे दस, एक हासिल, दो सते चौदह और एक पंद्रह, एक हासिल, दो दूनी चार, एक पाँच, दो सत चक्कू आठ, ये जीरो लगा था वो जीरो लगा देते हैं, फिर इसकी गुणा पाँच से करेंगे, पचम पच्चीस, दो हासिल, पाँच सते पैंतीस, पैंतीस और दो सैंतीस, दो हास तीन हासिल, पाँच दूनी दस, दस और तीन तेरह, एक हासिल, पाँच चक्कू बीस, बीस और एक इक्कीस। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में पाँच जोड़ा पाँच, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में सात जोड़ा सात, पाँच में पाँच जोड़ा दस, दस में तीन जोड़ा तेरह, एक हासिल, सात में पाँच जोड़ा बारह, बारह में एक जोड़ा तेरह, तेरह में वो हासिल जोड़ा चौदह, एक हासिल, दो में आठ जोड़ा दस, दस में दो जोड़ा बारह, बारह एक हासिल वाला तेरह, और चार में ये हासिल जोड़ दिया पाँच, तो 5,34,375, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, कोई क्वेरी तो नहीं है, हो तो कमेंट कर दो, ओके। चलो इधर वाला तो कर ही चुका है आप लोग, इसको बिगाड़ देते हैं, इधर बाकी के क्वेश्चन जो दो बचे हैं वो कर लेते हैं। वाला क्वेश्चन क्या है, 504 गुणा 35, ठीक है, 504 गुणा 35 कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक ही बचा है, अच्छा ये तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब 35 को जोड़ेंगे 30 प्लस 5 में तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं, पर मुझे 504 को तोड़ना ज़्यादा सरल लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 को इधर लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे, 504 को तोड़ के क्या लिख देंगे, 500 प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है, ये कर दिया। 35 की गुणा हमें किससे करनी है, एक बार 500 से करनी है, और एक बार 35 की गुणा किससे करनी है, 4 से करनी है, ठीक है, तो
पाँच की 35 से गुणा कर देते हैं, पचम 25, दो हासिल, पाँच या 15, 15 दो 17, और दो जीरो लगे हैं, दो जीरो लगा दिए, प्लस 4 पंजे 20, दो हासिल, 4 या 12, 12 दो 14। अब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में चार जोड़ा चार, पाँच में एक जोड़ा छः, 7 1, 17,634 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पांचों क्वेश्चन जो है चौथे के हमारे लग गए हैं। एक बहुत ही जो लास्ट क्वेश्चन है वो खास तरीके का क्वेश्चन है, बहुत सरल है पर है बहुत खास, तो चलिए इसको ध्यान देते हैं। पांचवा क्वेश्चन करवाएंगे, वो पैटर्न टाइप का क्वेश्चन, पांच वाले क्वेश्चन है, पैटर्न पहचानना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके सामने। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है लिखा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। फिर हमें कुछ प्रतिरूप दिखाया है, उसके बाद इन्होंने कहा है अगले दो चरण लिखिए, क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य कर सकता है। ठीक है, ये प्रतिरूप उन्होंने दिया है, तो चलिए क्या दिया है, 1 × 8 + 1 = 9। फिर दिया है इन्होंने 12 × 8 + 2 = 9 8। फिर इन्होंने क्या किया है, 1 × 2 = 8 + 3 = 9 8 7। फिर इन्होंने लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, 8 + 4 = 9 8 7 6। इन्होंने लिखा है 1 2 3 4 5 × 8 + 5 = 9 8 7 6 5। इस तरीके से इन्होंने इतना लिख के दिया है, एक पैटर्न दिया है इन्होंने लिख के। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अगले दो चरण लिखने हैं, क्या लिखने हैं, अगले दो चरण लिखने हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जब इन्होंने एक लिखा था, एक की गुणा 8 से की, फिर एक जोड़ दिया तो 9 आ गया। ये इसमें क्या पैटर्न है, 1 2 3 4 5, इससे हमें क्या पता चल गया है, इन्होंने एक गिनती टाइप में लिखी है, काउंटिंग लिखी है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा प्लस के बाद, फिर क्या आएगा, 7 आएगा। दो चरण हमको लिखने हैं तो बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने गुणा 8 तो सब में किया है, तो गुणा 8 जो है सब में, दोनों में भी हम कर देंगे, गुणा 8 इन्होंने सब में किया है ना, देख लीजिए, तो गुणा 8 हम इसमें भी कर देंगे। फिर इसमें इन्होंने क्या किया है, 1 किया है, फिर 1 2 किया है, फिर 1 2 3 किया है, फिर 1 2 3 4 किया है, फिर 1 2 3 4 5 किया है। इन्होंने 5 लिखा है तो 5 तक किया है, 4 लिखा है तो 4 तक किया है, 3 लिखा है तो 3 तक किया है, 2 लिखा है तो 2 तक किया है, 1 लिखा है तो 1 तक किया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हम जहाँ कहाँ तक करेंगे, 6 तक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक हमने कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है तो 7 तक कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक कर दिया, इतना तो हो गया। अब इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा दो, फिर यहाँ पे क्या है, 1 था तो 1 बार 9, फिर 2 था तो 9 8 कर दिया, 3 था तो 3 तक गए 8 9 8 7, 4 था तो 4 तक गए 9 8 7 6, 5 था तो 5 तक गए 9 8 7 6 5, 5 गिनती तक गए, 6 है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 6 तक लिखेंगे, 6 काउंटिंग उल्टी लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, 7 है तो 7 तक लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4 3, देख लो 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7।
इस तरीके से ये हमारे जो है अगले दो पैटर्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहचानना बहुत सरल है। ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए और लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो संख्याओं के साथ खेलना कुछ सारी ऐसा ही नाम है, तो वो शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जाना। ओके, तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको। और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कैसे विजिट करना है और कैसे क्या प्लेलिस्ट में जाना है। इसके लिए आपको सर्च बार में जोजस स्टडी टाइप करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, जिस पे आप टच करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल जो चैनल की है वो खुल के आ जाएगी। जब आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाली वीडियोज़ जो हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके सामने प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी कुछ। फिर आपको एरो दिखेगा, जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो कुछ और प्लेलिस्ट आ जाएंगी। फिर आपको व्यू 30 मोर दिखेगा, जिस पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारी जो भी जितनी प्लेलिस्ट हैं सब खुल के आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको चाहिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की, आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मिल जाएंगी। आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस। फिर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जाने के वक्त आपको हमारे कुछ चैनल्स दिखेंगे अदर्स, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, जोजस स्टडी 9 to 12। इन चैनल्स में